हेलो एवरीवन, मेरे ख्याल से जे 2023 के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे उसमें से मोस्टली बच्चे लगभग 80 या 85% के आसपास बच्चे जो हैं अपना एग्ज़ाम लिख चुके होंगे। कुछ बच्चे 15 अप्रैल को भी एग्ज़ाम देंगे। बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, किस नंबर पर कितनी परसेंटाइल आएगी, कितनी परसेंटाइल पर क्या रैंक आएगी। ये काफ़ी सारे सवाल बच्चे बार बार लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे। सो आई थॉट दैट कि एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको सारी मेरा क्या टेक है मैं सब समझा देता हूँ। 15 अप्रैल को जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट दिन या उसी रात को जो एक्चुअल पेपर है जेई मेन का वो सारे का सारे जेई एनटी पे अपलोड कर देगी, एनटी की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद वो एक प्रोविजनल आंसर की भी निकाल देंगे। उस आंसर की में अगर कोई बच्चा अगर चेंज करना चाहे, चैलेंज करना चाहे, तो उसमें भी वो 2 या 3 दिन की विंडो देगी और एक फाइनल आंसर की निकाल देगी। फाइनल आंसर के निकालते ही अगले ही दिन वो रिजल्ट दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रफली 22 या 23 तारीख के आसपास एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और इस बार सीधे ही है ना परसेंटाइल ना आके रैंक आएगी, मतलब सीधे रैंक ही पब्लिश कर देंगे वो आपके। और रैंक किस तरह से बनाते हैं मेरे ख्याल से आपको आइडिया है। आपके दोनों के दोनों अटेम्प्ट के अंदर बेटर परसेंटाइल कौन सी है उसे कंसिडर करेंगे, मतलब वो खुद परसेंटाइल तो निकालेंगे आपकी और उस बेटर वाले जो परसेंटाइल आएगी उससे रैंक निकाल देंगे। रफली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जो भी परसेंटाइल आएगी उसको 100 में से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको वो लगभग 10,000 से या 9,000 समथिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे के 98 परसेंटाइल है तो 100 में से 98 को माइनस किया तो 2 आ गया, 2 को फिर वो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, रफली आपकी 20,000 के आसपास रैंक आ जाएगी। परसेंटाइल पर सब्जेक्ट में बेटर कंसिडर नहीं की जाएगी, टोटल परसेंटाइल जो है वही कंसिडर की जाएगी और वो सीधे रैंक ही आपकी छाप देंगे कि ये आपकी रैंक है। फिर भी बच्चे तो ऑफ कोर्स है ना काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि सर हम मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, कितने कितने नंबर पर कैसे कैसे रैंक आ सकती है, कैसे कैसे परसेंटाइल आ सकती है। तो मैं आपको एक रफ सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि यार ना किस नंबर पर कैसे कैसे परसेंटाइल आपकी बन सकती है। हालांकि ये जो डेटा है ये 2023 की जैन अटैम्प्ट का है, लेकिन ये वाला जो अटैम्प्ट है ये भी काफ़ी हद तक उसके जैसा सा ही अटैम्प्ट था। हालांकि बच्चे थोड़े से बेटर वेल प्रिपेयर्ड थे तो हल्की फुल्की कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन कट ऑफ बढ़ने का अर्थ ये नहीं कि जो कट ऑफ 170 मार्क्स जा रही थी वो बढ़कर 200 चली जाएगी, इतना फर्क नहीं आएगा। बस 170 से बढ़कर हो सकता है कि वो 180 चले जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा। कुछ पेपर ऐसे थे, कुछ अटैम्प्ट ऐसे थे जो थोड़े से बाकी शिफ्ट्स के मुकाबले थोड़े से टफ थे। जैसे मेरे ख्याल से 13th को फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा पूछा था, 11th की शायद है ना एक शिफ्ट के अंदर केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी टाइप पूछ लिया था। तो जिन बच्चों के ट्रिकी या फिर जिन बच्चों के टफर जो स्लॉट्स आए हैं वो चिंतित ना हो, उनका कट ऑफ ऑब्वियस बात है कि कम जाएगा, तो नंबर कम आने पर भी उनकी परसेंटाइल अच्छी बन जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। आपका एक्चुअल रिजल्ट कैसा आता है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अभी कितने नंबर आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, आपका एक्चुअल रिजल्ट कैसा आता है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम भी उस डेटा को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। रफली जैन अटेम्प्ट के अंदर 99% जो है वो अलग अलग शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम 192 नंबर पर गई और मिनिमम 155 मार्क्स पर गई। अगर हम रफली अगर एवरेज निकालें तो 173 मार्क्स के आसपास जैन अटेम्प्ट के अंदर 99% आ गई थी। मेरा ऐसा मानना है कि रफली अगेन अलग अलग शिफ्ट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑन एन एवरेज 180 अगर किसी बच्चे के नंबर हैं तो मान के चले कि वो 99% की रेस में है। अगेन जो टफर वाली शिफ्ट होगी उसमें हो सकता है कि 99% 167 या 165 मार्क्स भी आए, और जो टफ वाली शिफ्ट होगी उसमें हो सकता है कि 195 के आसपास भी चला जाए। लेकिन 180 नंबर किसी बच्चे के हैं तो वो ऑन एन एवरेज मान सकता है कि वो 99% की रेस में है। 99% मतलब मैं बड़ा रफली बोल दूं कि 99% मतलब ऊपर की 10,000 रैंक। 98.5% की अगर बात करें तो मतलब ऊपर की 15,000 रैंक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो जनवरी अटैम्प्ट थी उसमें जो एवरेज आया था वो लगभग बड़ा 160 मार्क्स के आसपास आया था। मेरी ऐसी फीलिंग है कि इस बार जो एवरेज होगा रफली मुझे जो एवरेज लगता है वो रफली मुझे ऐसा लगता है कि शायद 167 के आसपास या 168 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। अगेन जो ईजियर शिफ्ट होगी उसमें हो सकता है कि 178-179 के आसपास पहुंच जाए, और जो टफर वाली शिफ्ट होगी उसमें हो सकता है कि 150 के आसपास भी पहुंच जाए, 152-153 के आसपास भी पहुंच जाए। रफली आप मान के चल सकते हो कि जो एवरेज आएगा 167 के आसपास आ जाएगा। इसी तरह से 98% अगर किसी बच्चे को लाने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जनवरी अटेम्प्ट के अंदर एवरेज 148 गया था। मेरी ऐसे रफली फीलिंग है
कि और बच्चों से बात करने के बाद मुझे पता लगा तो मोस्टली बच्चे जिस तरह से रेस्पॉन्स दे रहे थे, मुझे लगता है कि 155 नंबर के आसपास कोई बच्चा है तो वो 98% की रेस में है। 97 पे आ जाता हूँ डायरेक्टली, 97% का जो जैन अटेम्प्ट था उसका एवरेज 133 मार्क्स गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एवरेज अब जो जाएगा वो लगभग 141-142 के आसपास ही जाएगा। अगेन इजी टफ में हल्का फुल्का एट्रिशन तो आएगा। 96% का जो एवरेज था वो जैन अटेम्प्ट में 121 गया। मेरी ऐसी फीलिंग है कि लगभग 130 नंबर के आसपास अगर कोई बच्चा लेके आता है तो 96% के आसपास आ जाएगा। 95% की अगर बात करें तो 112 नंबर एवरेज गया था जैन अटेम्प्ट का, और मुझे ऐसा लगता है कि 120 नंबर के आसपास अगर कोई बच्चा लेके आ रहा है तो वो बड़े आराम से 95% की रेस के अंदर है। मैं सीधा बेटा 90% पे आता हूँ, और 90% मतलब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जनरल कैटेगरी के अंदर वो बच्चा जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसका एवरेज आया था 82 मार्क्स, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि रफली कोई बच्चा अगर आज के दिन 95 मार्क्स या उससे अगर ज़्यादा लेके आता है तो वो बड़े आराम से जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसकी परसेंटाइल 90 के ऊपर आ जाएगी। ये मेरी स्पेकुलेशंस हैं, और इस स्पेकुलेशन के अंदर मैंने जो बच्चों से बात की, बच्चों ने मुझे टफनेस लेवल के बारे में या फिर पेपर में कोई पेचीदगी थी उसके बारे में जो बातें बताई, जो रिपीटेटिवनेस थी उसके बारे में बातें बताई, तो उससे मेरे को जनरल सा आइडिया लगा है। मैंने इसमें इस बात को ऑफकोर्स कंसिडर किया है कि ना इस बार बच्चे थोड़े से ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स बड़ा हल्की फुल्की कट ऑफ तो पिछली बार से बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कट ऑफ बढ़कर दुगनी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, रफली आपका जो एक्चुअल जेई मेन का एग्जाम आएगा वो इन्हीं मार्क्स के लगभग कोहेरेंट आ जाएगा। आपका एक्चुअल एग्जाम में परसेंटाइल कैसे आई, आपकी रैंक क्या आई, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर भी अगर आपके मन में और कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।